أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد میں سید اجاز الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں میرا ایک यूट्यूब चैनल है एजाज कादमी चैनल, उसके ज़रिए मैं मजालिस खुतबात और बहुत सी दीनी मालूमात आप लोग के लिए मालूमात के लिए पेश करता रहता हूँ। उसी सिलसिले में मैं जो है सैफ़ रामला की कुछ दुआएं और उसके बारे में कुछ बोलता हूँ। उसमें एक दुआ जो ख़ास तौर से बहुत ही ख़ास है, पसंदीदा अखलाक और शाइस्ता किरदार के सिलसिले में उसके दो चार जुमलों की वजाहत किया था मैं। अब पूरी दुआ आपको पढ़कर सुनाऊंगा। ये जनाब मुफ्ती जाफर हुसैन साहब कबला ने इसका ट्रांसलेशन किए हैं और उसकी डिटेल भी उसमें दिए हैं तफसीर। ये दुआ नंबर 20 है इसके अंदर सहीफ़े कामिला में, और उसको मैं आपको पूरा लाल बल्ब सुनाऊंगा कि दुआ क्या है, दुआ किस तरह से आप जो है अल्लाह ताला से क्या क्या चीज़ों की दुआ मांग रहे हैं, किस चीज़ों के लिए। बारे ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा। ये दुरूद है जो हमेशा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद बोलते हैं, और मेरे ईमान को कामिल तरीन ईमान, मेरे ईमान को कामिल तरीन ईमान की हद तक पहुँचा दे, मेरे यकीन को बेहतरीन यकीन करार दे, मेरी नियत को पसंदीदा तरीन नियत, मेरे आमाल को बेहतरीन आमाल के पाए तक बुलंद कर दे। खुदावंद अपने लुत्फ से मेरी नियत को खालिस और इस्तवार, और अपनी कुदरत से मेरी खराबियों की इस्लाह, अपनी कुदरत से मेरी खराबियों की इस्लाह कर दे। बारे ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि, और मुझे उन मसरूफियतों से जो इबादत में माने हैं बेनियाज कर दे, इन्हीं चीज़ों पर अमल पैरा होने की तौफीक दे जिनके बारे में मुझसे कल के दिन सवाल करेगा, और मेरे अयामी ज़िंदगी को गर्ज खिलकत की अंजाम देही के लिए मखसूस कर दे, और मेरे रिस्क में कशाइश वो वसत अता फरमा। एहतियात और वो दस्त नगरी में मुब्तला ना कर, इज्जत और तौखीर दे, किब्र और गुरूर से दोचार ना होने दे, मेरे नफ्स को बंदगी व इबादत के लिए राम कर, और खुद पसंदी से मेरी इबादत को फासिद ना होने दे, और मेरे हाथों से लोगों को फैज़ पहुँचा, और उसे एहसान जताने से रायगा न होने दे, मुझे बुलंद पाया अखलाक मरहमत फरमा, और गुरूर और तफाखर से महफूज रख। बारिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मद, और लोगों में मेरा दर्जा जितना बुलंद करे इतना ही मुझे खुद अपनी नज़रों में पस्त कर दे, और जितनी ज़ाहरी इज्जत मुझे दे इतना ही मेरे नफ्स में बातिनी और बेवक़ाती का एहसास पैदा कर दे। बारे ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मुझे ऐसी नेक हिदायत से बहरामंद फरमा कि जिसे दूसरी चीज़ों से तब्दील न करूं, और ऐसे सही रास्ते पर लगा जिससे कभी न मुड़ूं, और ऐसी पुख्ता नीयत दे जिसमें ज़रा शुबा न करूं। जब तक मेरी ज़िंदगी तेरी इताअत तो फरमा बरदारी और के काम आए मुझे जिंदा रख, और जब वो शैतान की चरागाह बन जाए इससे पहले कि तेरी नाराजगी से साबिखा पड़े, तेरा गज़ब मुझ पर यकीनी हो जाए, मुझे अपनी तरफ उठा ले। ऐ महबूब, कोई ऐसी खिसलत जो मेरे लिए मायूब समझी जाती हो इसकी इसलाह किए बगैर न छोड़, और कोई ऐसी बुरी आदत जिस पर मेरी साजिश की जा सके उसे दुरुस्त किए बगैर ना रहने दे, और जो पाकीज़ा खिसलत भी मुझ में ना तमाम हो उसे तकमील तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह, रहमत नाजिल फरमाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मद, और मेरी निस्बत कीना तोस दुश्मनों की दुश्मनी को उल्फत से और सरकशों के हसद को मोहब्बत से, नेकों से बेतमादी को एतमाद से, करीबियों की अदावत को दोस्ती से, अजीज़ों की खते ताल्लुकी को सिले रहमी से, खराबत दारों की ज़ाहरी मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत से, और साथियों के एहानत आमेज़ बर्ताव को हुस्ने माशरत से, और जालिमों के खौफ की तरक्की को अमन की शीरीन से बदल दे। खुदावंदा रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु और जो मुझ पर जुल्म करे उस पर मुझे गलबा दे, जो मुझसे झगड़ा करे इसके मुकाबले में ज़बाने हुज्जत शिकन दे, जो मुझसे दुश्मनी करे उस पर मुझे फतह व कामरानी बख्श, जो मुझसे मकर करे इसकी फ़िक्र का तोड़ अता कर, जो मुझे दबाए उस पर काबू दे, जो मेरी बदगोई करे उसे झुठलाने की ताकत दे, जो डराए धमकाए इससे मुझे महफूज रख, जो मेरी इसलाह करे उसकी इताअत, और जो राह राज दिखाए इसकी पैरवी की तौफीक, जो राह राज दिखाए उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमाओ। ऐ अल्लाह, मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, और मुझे इस अमर की तौफीक दे कि जो मुझसे गश वो फरेब करे इसकी खैरख्वाही करूँ। जो मुझे छोड़ दे उससे उसने सलूक से पेश आऊँ, जो मुझे महरूम करे उसे अताओ बख्शिश के साथ एवज दूँ, और जो ख़त रहमी करे उसे सिले रहमी के साथ बदला दूँ, जो पसे पूछ मेरी बुराई करे मैं उसके बरखला उसका जिक्र खैर करूँ, और उसने सुलूक पर शुक्रिया बजा लाऊँ, बदी से चश्म पोशी करूँ। बारे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, और अदल के नश गुस्से की जब और फितने के फरोग करने मुत्तफरिक और परागंदा लोगों को मिलाने, आपस में सुलह और सफाई कराने, नेकी के जाहिर करने, ऐब पर पर्दा डालने, नरम कोई व फरोतनी और हुस्ने सीरत के इख्तियार करने, रख रखाव रखने, हुस्ने अखलाक से पेश आने, फजीलत की तरफ पेश कदमी करके
तफज्जुल व एहसान को तरजीह देने, खुर्दा गिरी से किनारा करने और गैर मुस्तैक के साथ उसलूक तर्क करने और हक बात के कहने में अगरचे वो ग्रां गुजरे, अपनी गुफ्तार और किरदार की भलाई को कम समझने में अगरचे वो ज़्यादा हो, अपने कॉल ऑफ अमल की बुराई को ज़्यादा समझने अगरचे वो कम हो, मुझे नेककारों के जेवर परहेज़गारों के सजदे से आरास्ता कर, और तमाम चीज़ों को दायमी दात और जमात से वाबस्तगी और अहल बिद्दत और ईजाद करदा रायों पर अमल करने वालों से अलहदी के जरिए पाए तकमील तक पहुंचा दे। बारे लहा मोहम्मद और आल मोहम्मद पर हेमन नाज फरमा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो अपनी वसी रोज़ी मेरे लिए करार दे, और जब आजिज़ उदर माँ अंदा हो जाऊँ तो अपनी कमी ताकत से मुझे सहारा दे, और मुझे इस बात में मुबतला ना कर कि तेरी इबादत में सुस्ती और कोताही करूँ। तेरी राह की तशखीस में भटक जाऊँ, तेरी मोहब्बत के तकाज़ों के खिलाफ वर्जी करूँ, और जो तुझसे मुतफरिक और परा गंदा हूँ उनसे मेल जोल रखूँ, और जो तेरी जानी पड़ने वाले हैं उनसे अलहदा रहूँ। खुदावंद मुझे ऐसा करार दे कि ज़रूरत के वक्त तेरे ज़रिए हमला करूँ, हाजी के वक्त तुझसे सवाल करूँ, फ़ख्र व एहतियात के मौके पर तेरे सामने गिड़गिड़ाऊँ, और इस तरह मुझे ना आजमा ताकि इस्तरार में तेरे गैर से मदद मांगूँ, फ़ख्र नादारी के वक्त तेरे गैर के आगे आजिज़ाना दरख्वास्त करूँ, खौफ के मौके पर तेरे सिवा किसी दूसरे के सामने गिड़गिड़ाऊँ कि तेरी तरफ से महरूमी नाकामी और बेतनाई का मुस्तहक करार पाऊँ। ऐ तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले खुदाया, जो हिर्स बदगुमानी और हसद के जज्बात शैतान मेरे दिल में पैदा करे, इन्हें अपनी अजमत की याद अपनी कुदरत में तफक्कुर और दुश्मन के मुकाबले में तदबीर व चाराजोई के तसव्वुरात से बदल दे, और फौज कलामी या बेहुदा गोई या दुष्नामत राजी या झूठी गवाही या गायब मोमिन की गीबत या मौजूद से बदगोई और इस कबील की जो बातें मेरी जबान पर लाना चाहे इन्हें अपनी हमदसराई मदह में कोशिश में इनमाक तजवीज़ तमजीद और बुजुर्गी के बयान शुक्र नेमत और एतराफ़ एहसान और अपनी नेमतों के शुमार से तब्दील कर दे। ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनके आल पर रहमत नाज़िल फरमा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझ पर ज़ुल्म न होने पाए जबकि तू उसके दिफा करने पर कादिर रहे, और किसी पर ज़ुल्म न करूँ जबकि तू मुझे ज़ुल्म से रोक देने की ताकत रखता है, और गुमराह ना हो जाऊँ जबकि मेरी रहनुमाई तेरे लिए आसान है, और मोहताज ना हूँ जबकि मेरी फारिग बाली तेरी तरफ से है, सरकश न हो जाऊँ जबकि मेरी खुशहाली तेरी जानिब से है। बारेला मैं तेरी मगफरत की जानिब आया हूँ, और तेरी माफ़ी का तलबगार और तेरी बख्शिश का मुश्ताक हूँ, मैं सिर्फ तेरे फ़ज़्ल पर भरोसा रखता हूँ, और मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे लिए मगफरत का बायस बन सके, और ना मेरे अमल में कुछ है कि तेरे अफ़ों का सजावार करार पाऊँ। और अब इसके बाद कि मैं खुद ही अपने खिलाफ फैसला कर चुका हूँ, तेरे फजल के सिवा मेरा सरमाया उम्मीद क्या हो सकता है। लिहाजा मोहम्मद और आल मोहम्मद पर फरमा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझ पर तफज्जुल फरमा खुदाया, मुझे हिदायत के साथ गोया कर, मेरे दिल में
तक्वा और परहेजगारी का इल्का फरमा, परहेज पाकिजा अमल की तौफीक दे, पसंदीदा काम में मशहूर रख। खुदाया मुझे बेहतरीन रास्ते पर चला और ऐसा करके तेरे दीन वो आइन पर मरूं और इसी पर जिंदा रहूं। ऐ अल्लाह मोहम्मद और आल मोहम्मद पर रहम नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आल मोहम्मद। मुझे गुफ्तार किरदार में मियाना रवी से बहरामंद फरमा और दुरुस्त कारों और हिदायत के रहनुमाओं और नेक बंदों में से करार दे और आखिरत की कामयाबी और जहन्नम से सलामती अता कर। खुदाया मेरे नफ्स का एक हिस्सा अपनी इब्तिला व आजमाइश के लिए मखसूस कर दे ताकि इसे अजाब से रिहाई दिला सके और एक हिस्सा जिससे इसकी दुनियावी इस्लाह और दुरुस्ती वाबस्ता है मेरे लिए रहने दे, क्योंकि मेरा नफ्स तो हलाक होने वाला है मगर एक है तू उसे बचा जाए। ऐ अल्लाह अगर मैं गमगीन हूँ तो मेरा साजो सामान तस्कीन तू है, और अगर हर जगह से महरूम रहूँ तो मेरी उम्मीदगाह तू है। अगर मुझ पर गमों का हुजूम हो तो तुझी से दाद व फरियाद है। जो चीज़ जा चुकी उसका इवज और जो शय तबाह हुई उसकी दुरुस्ती और जिसे तू नापसंद करे उसकी तब्दीली तेरे हाथ में है, लिहाजा बला के नाजिल होने से पहले आफियत, मांगने से पहले खुशहाली और गुमराही से पहले हिदायत से मुझ पर एहसान फरमा। और लोगों की सख्त व दुष्ट बातों के रंज से महफूज रख और क़यामत के दिन अमन व इत्मीनान अता फरमा और हुस्न व हिदायत व इरशाद की तौफीक मरहमत फरमा। ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने लुत्फ से बुराइयों को मुझसे दूर कर दे, अपनी नियमत से मेरी परवरिश, अपने कर्म से मेरी इस्लाह फरमा और अपने फजल व एहसान से जिस्मानी व नफसानी अमराज से मेरा मदावा कर। मुझे अपनी रहमत के साए में जगा दे, अपनी रजामंदी में ढाप ले, और जब उमूर मुश्तबा हो जाएं तो जो इनमें ज़्यादा खरीन सवाब हो और जब आमाल में इश्तबा वाक़ हो जाए तो जो इनमें पाकीज़ा तर हो और जब मज़ाहिर में इख्तलाफ पड़ जाए तो जो इनमें पसंदीदा तर हो इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आल पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मदिन व आलिह। और मुझे बेनियाजी का ताज पहना और मुतालिका कामों अहसन तरीक से अंजाम देने पर मामूर फरमा और ऐसी हिदायत से सरफराज फरमा जो दवाम मुसीबात लिए हुए हो, और गिना व खुशहाली से मुझे बे राह न होने दे और आसूदगी व आसाइश अता फरमा और ज़िंदगी को सख्त दुश्वार न बना दे। मेरी दुआ को रद्द न कर, क्योंकि मैं किसी को तेरा मद्द मुकाबिल नहीं करार देता और ना तेरे साथ किसी को तेरा हमसर समझते हुए पुकारता हूँ। ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि। और मुझे फजूल खर्ची से बाज रख, मेरी रोजी को तबाह होने से बचा और मेरे माल में बरकत दे कर इसमें इजाफा कर। मुझे इसमें से उमूर खैर में खर्च करने की वजह से राय ख़वाब तक पहुँचा। बारिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे कस्ब माशियत के रंज व गम से बेनियाज कर दे और बेहिसाब रोजी अता फरमा ताकि तलाश माश में उलझ कर तेरी इबादत से रूगर्दा ना हो जाओ और गलत और नामशरू
कार व कसम का खुमियाजा ना भुगतूँ। ऐ अल्लाह, मैं जो कुछ तलब करता हूँ उसे अपनी कुदरत से मुहैया कर दी, और जिस चीज से खायफ हूँ इससे अपनी इज्जत और जलाल के जरिए पनाह दे। खुदाया, मेरे आबरू को गिना व तंगदस्ती के साथ महफूज फरमा, फख्र और तंग दस्ती से मेरी मंजिलत को नजरों से न गिरा, कि तुझसे रिस्क पाने वालों से रिस्क मांगने लगूं। तेरी पस्त बंदों की निगाह आए लुत्फ वो करम को अपनी तरफ मोड़ने की तमन्ना करूं, और जो मुझे दे इसकी मदा सना और जो ना दे उसकी बुराई करने में मुबतला हो जाऊं। और तू ही अता करने वाला और रुख लेने का अख्तियार रखता है, ना कि वो। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम, और मुझे ऐसी सेहत दे जो इबादत में काम आए, और ऐसी फुर्सत जो दुनिया से बेताल्लुक में सर्फ हो, और ऐसा इल्म जो अमल के साथ हो, और ऐसी परहेज़गारी जो हद इत्तेदाल में हो कि वसवास में मुब्तला न हो जाओ। ऐ अल्लाह, मेरी मुद्दत हयात को अपने अफू दरगदर के साथ ख़त्म कर, और मेरी आरज़ू को रहमत की उम्मीद में कामयाब फरमा। अपनी खुशनूदी तक पहुँचने के लिए राह आसान कर, और हर हालत में मेरे अमल को बेहतर करार दे। ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा, और मुझे गफलत के लम्हात में अपने जिक्र के लिए होशियार कर, और मोहलत के दिनों में अपनी इताअत में मसरूफ़ रख, और अपनी मोहब्बत के सहल वो आसान राह में मेरे लिए राह खोल दे। इसके ज़रिए मेरे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई को कामिल कर दे। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर बेहतरीन रहमत नाजिल फरमा, ऐसी रहमत जो इससे पहले तूने मखलूकात में से किसी एक पर नाजिल की हो और इसके बाद किसी पर नाजिल करने वाला हो, और हमें दुनिया में भी नेकी अता कर और आखिरत में भी, और अपनी रहमत से हमें दोज़ख के अजाब से महफूज रख। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलहम्दुलिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। या अल्लाह, इस दुआ में जो कुछ भी कंटेंट था उससे हमको नवाज, और हमको हमारी आखिरत को दुरुस्त कर दे, और यही तमाम मोमिनों के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।